हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 HD फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 HD फ़ोन की फाइल ऑप्शंस पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड कैसे कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड कैसे कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो फाइल ऑप्शंस पे जाकर फ़ोटो वीडियोस को कैसे हाइड कर सकते हैं और छिपा सकते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ से फाइल आइकन्स को ओपन कर लेना है। तो फाइल आइकन्स ओपन हो जाएगा। जो भी आप फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड या छिपाना चाहते हैं, जैसे अगर आपके फ़ोन में कोई भी प्राइवेट फ़ोटोज़ या वीडियोस हैं उसको छिपाना चाहते हैं, आप छिपा सकते हैं। सिंपली बस आपको पहले सेलेक्टेड कर लेना जो भी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस हैं, सेलेक्टेड कर लेना है। फिर थ्री डॉट पे जाकर मूव टू सेव फोल्डर कर देना है, और मूव टू सेव फोल्डर करते ही आपकी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस हाइड हो जाएगी और आपकी गैलरी पे शो नहीं करेगी। तो इस तरीके से आप प्राइवेट फ़ोटोज़ को छिपा सकते हैं, या फिर प्राइवेट वीडियोज़ आ रहा है तो उसको भी आप कैसे हाइड कर सकते हैं या छिपा सकते हैं। तो इस पर जाएंगे और आपको उसी ऑप्शन की तरह इसको फॉलो कर लेना है। फॉलो करते आपकी वीडियोज़ भी हाइड हो जाएगी। इस तरीके से आप फोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर, और कैसे अपने फ़ोन के सेव फोल्डर पे जाकर भी फोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी फोटो एंड वीडियोस है शो कर रखे, आपने इस तरीके से इनको हाइड कर सकते हैं, या फिर मूव टू सेव फोल्डर भी कर सकते हैं। आपकी जो फ़ोटो वीडियोस हैं वापस आपकी गैलरी पर शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप फोटो एंड वीडियोस को छिपा सकते हैं अपने फाइल ऑप्शंस पे जाकर इन्फिनिक्स फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी तो